हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज। मेरे यूट्यूब चैनल डायग्नोस्टिक सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड कलेक्शन ट्यूब। आज हम जानेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में, किस ट्यूब्स में किस टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं, किस ट्यूब में सीरम सेपरेट होते हैं, किस ट्यूब में प्लाज्मा सेपरेट होते हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के घंटे को भी दबा दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। फ्लेबोटॉमी, ब्लड कलेक्शन ट्यूब में सबसे पहले एक वर्ड है फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी का क्या मतलब या फ्लेबोटॉमी किसे कहते हैं? पेशेंट का ब्लड सैम या स्पेसिमेन या कोई भी सैंपल कलेक्ट करके डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में सैंपल को भेजना, इसी प्रोसेस को फ्लेबोटॉमी कहा जाता है। पेशेंट या किसी पेशेंट का सैंपल या स्पेसिमेन उसको कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से सेपरेट करके किसी लैब में भेजना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्लेबोटॉमी कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्शन ट्यूब। अब हम पढ़ेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के ट्यूब्स होते हैं, कितने टाइप्स के वाइल्स होते हैं। तो सबसे पहले है पर्पल टॉप ट्यूब या लेवेंडर टॉप ट्यूब। ठीक है, जो पर्पल कलर के टॉप ट्यूब है उस ट्यूब के बारे में हम जानेंगे। इस ट्यूब में ADTA होते हैं, यानी कि इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड एडिक्टिव होता है, जो एक एंटीकोगुलेंट है। ADTA क्या है? एक रिएजेंट है जो एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं। ठीक है, ट्यूब यूज़ फॉर, यानी कि इस ट्यूब को किसके लिए यूज़ करते हैं? CBC के लिए। जब हमें CBC टेस्ट करना होता है तो उसके लिए हमें पर्पल टॉप ट्यूब में सैंपल कलेक्ट करना होता है, यानी कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, एक है HbA1c एक टेस्ट है जो डायबिटिक या शुगर पेशेंट होते हैं उनका, जो प्रत्येक 3 महीने में किया जाता है कि शुगर लेवल उनका रेशियो किस रेशियो में डिक्रीज या इंक्रीज होता है, उस टेस्ट को देखने के लिए हमें HbA1c करना होता है। एक होता है PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन टेस्ट। ठीक है, इसके लिए हमें किसमें? पर्पल टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्शन करना होता है। दूसरा है, फिर आगे हम देखें ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल्स और मलेरिया पैरासाइट। जब हमारे ब्लड CBC करते हैं या कुछ एबनॉर्मल होते हैं, WBC RBC प्लेटलेट्स जब एबनॉर्मल आते हैं, तो उसके लिए भी हमें किसमें? पर्पल टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्शन करना होता है, या फिर मलेरिया पैरासाइट्स के लिए भी हमें CBC के लिए भी ये पर्पल टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स है, रेड सेल्स है, फोलेट है, इन सभी टेस्ट के लिए हमें क्या करना होता है? पर्पल टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करना होता है। आगे हम देखते हैं, सैंपल लेने के बाद वाइल को प्रेजेंट ADTA, वाइल में प्रेजेंट ADTA रिएजेंट के साथ कम से कम 8 बार इन्वर्ट ज़रूर करें। जब हम सैंपल ले लिए, ADTA में डाल दें, कलेक्ट करने के बाद जब ADTA में डालते हैं तो कम से कम हमको 8 बार जो है ऐसे ऐसे, सपोज दैट मान लीजिए ADTA इसमें हमने जैसे ब्लड डाला उनको इस तरीके से घुमा करके कम से कम 8 बार रोटेट करना होता है, इन्वर्ट करना होता है, ताकि ADTA वाइल में प्रेजेंट जो ADTA रिएजेंट है उनके साथ ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, इसलिए हमें कम से कम 8 बार जो है इन्वर्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पिंक टॉप ट्यूब के बारे में। पिंक टॉप ट्यूब ऑल्सो कंटेन ADTA ट्यूब। ठीक है, स्पेसिफिकली यूज्ड ओनली फॉर होल ब्लड टेस्ट सैंपल, होल ब्लड सैंपल बींग सेंड टू ट्रांसफ्यूजन लैब। ठीक है, जैसे कि पिंक टॉप ट्यूब का भी एक वाइल्स होते हैं, ट्यूब होते हैं, जो इसमें भी ADTA कंटेंट रहते हैं, ADTA ही इसमें प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसका यूज़ जो है अक्सर ब्लड बैंक में इसका ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड बैंक में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसके लिए ज़्यादातर यह यूज़ किया जाता है। उस टाइम में इस ट्यूब में हमें सैंपल लेना होता है। ठीक है, ट्यूब यूज़ फॉर क्रॉस मैच, जैसे कि क्रॉस मैच होते हैं, क्रॉस मैच के लिए भी हम इसमें ब्लड ले सकते हैं। ब्लड ग्रुपिंग के लिए, जैसे ब्लड ग्रुप हमें 4 तरीके से करना पड़ता है, स्लाइड मेथड है, ट्यूब मेथड है, जेल कट मेथड है। अब इन तीनों में क्या क्या है? स्लाइड मेथड में भी हमें रिवर्स फॉरवर्ड, ट्यूब मेथड में रिवर्स फॉरवर्ड एंड क्रॉस मैच, जेल कट मेथड में भी रिवर्स फॉरवर्ड तरीके से हमें ब्लड ग्रुप चेक करना होता है, तो उसके लिए भी हमें पिंक कलर के टॉप ट्यूब में ब्लड लेना होता है। ठीक है, उसके बाद है येलो टॉप ट्यूब, यानी कि येलो टॉप ट्यूब। दिस ट्यूब ऑल्सो
नोन एज SST, येलो टॉप ट्यूब को हम SST ट्यूब के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि SST का फुल फॉर्म है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। क्या है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, हमने यहाँ लिख दिया है इट्स कंटेंट टू एजेंट्स। इसमें दो तरीके का एजेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सिलिका पार्टिकल्स, दूसरा है सीरम सेपरेटर्स। इस तरीके से सीरम सेपरेटर्स जो है सीरम सेपरेटर्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिलिका पार्टिकल्स क्या है, द सिलिका पार्टिकल्स वर्क टू एक्टिवेटेड क्लॉटिंग एंड कॉजेज द ब्लड सेल्स टू क्लम्प टुगेदर। ठीक है, सिलिका पार्टिकल्स जो है यह ब्लड को क्लॉट करने में एक्टिवेट करता है, जिसके कारण से यह क्लम्प जिसके कारण से ब्लड सेल्स में क्लम्पिंग आ जाते हैं। ठीक है, सीरम सेपरेटर इसमें इनर्ट पॉलीमर जेल पाई जाती है जो ब्लड सेल्स एवं प्लाज्मा को अलग करके रखती है। सीरम सेपरेटर आप येलो टॉप ट्यूब में देखेंगे, एक वाइट कलर का वार्म वाइट का क्या है जेल प्रेजेंट होते हैं। उसमें जब हम ब्लड लेते हैं तो कुछ देर तक हमें उसको छोड़ देना होता है ताकि ब्लड पूरी तरह क्लोट हो जाए और कुछ सीरम छोड़ने लगे। जब हम उसको सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे वो जो जेल है उसके अंदर में वो जेल क्या है RBC और सीरम के बीचों बीच में आ जाएंगे और वो हमारे प्रॉपर तरीके से इस तरह से हमारा सीरम उसमें सेपरेट होते हैं। ठीक है, इस ट्यूब का यूज़ कई प्रकार के सीरम एनालिसिस करने के लिए लेते हैं। ठीक है, जिसमें एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एवं इम्यूनोलॉजी के लिए करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हुआ, LFT हुआ, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, ATC, या फिर ट्यूमर मार्कर के लिए भी, जब हमें ट्यूमर मार्कर के लिए सैंपल लेना होता है या इलेक्ट्रोलाइट के लिए सैंपल लेना होता है, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए जब हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है, या फिर KFT किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए जब हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है हमें, तो उस वक्त क्या कौन से ट्यूब में लेते हैं, येलो टॉप ट्यूब में लेते हैं लेना होता है, या फिर लिपिड प्रोफाइल में ले, ये सब टेस्ट के लिए हमें येलो टॉप ट्यूब में या जेल वाइल SST ट्यूब जिसे बोलते हैं उस ट्यूब में, उस वाइल में हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है। अब हम देखेंगे ब्लू टॉप ट्यूब। ब्लू टॉप ट्यूब में क्या होता है, इसमें कंटेंट सोडियम सिट्रेट विच एक्ट एज ए रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट्स बाय बाइंडिंग कैल्शियम आयंस इन द ब्लड एंड डिसरप्टिंग द क्लॉटिंग कैस्केड। ठीक है, यानी कि ये ब्लू टॉप ट्यूब जो होते हैं इसमें सोडियम सिट्रेट कंटेंट रहते हैं, सोडियम सिट्रेट रिएजेंट प्रेजेंट रहते हैं जो रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट बाय बाइंडिंग कैल्शियम आयंस, जो क्या करते हैं कैल्शियम आयंस के द्वारा, कैल्शियम आयंस बाइंडिंग के द्वारा एंटीकोगुलेंट इसमें रिवर्सिबल होते हैं जो ब्लड एंड डिसरप्टिंग द क्लॉटिंग कैस्केड। इसके द्वारा क्या है ब्लड को क्लॉट होने से भी है क्या करते हैं रोकते हैं सोडियम सिट्रेट इसमें। अब इसी ट्यूब का यूज़ किस लिए करते हैं, ट्यूब यूज्ड फॉर कोगुलेशन सिक्रीन। ठीक है, जैसे कि BT टेस्ट जब करना होता है, BT या फिर PT ब्लीडिंग टाइम फॉर प्लेटलेट फंक्शन, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम फॉर एक्सट्रेंसिक पाथवे, APTT फॉर इंट्रेंसिक पाथवे, इन सब टेस्ट जब करना होता है तो इसके अलावा और भी है, तो इन सब टेस्ट के जब हमें करना होता है तो हमें सोडियम सिट्रेट वाली वाइल में या ब्लू टॉप ट्यूब में हमें ब्लड कलेक्ट करना होता है। और डी डाइमर टेस्ट फॉर थ्रोम्बोसिस, इस टेस्ट के लिए भी हमें ब्लू टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करना होता है। INR फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट्स ऑन वार्फेरिन, इस टेस्ट के लिए भी ब्लू टॉप ट्यूब में ब्लड लेंगे। APTT रेशियो फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट्स ऑन 6-heparin, दिस इज कैलकुलेट फ्रॉम APTT। APTT के लिए भी हमें ब्लू टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ग्रे टॉप ट्यूब कंटेंट टू एजेंट्स। इसमें क्या है, दो एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक है सोडियम फ्लोराइड और दूसरा है पोटाशियम ऑक्सलेट। जो सोडियम फ्लोराइड है यह एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट्स की तरह है, यह एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट की तरह ही काम करते हैं जो सैंपल लेने के बाद यह ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। यह ग्लूकोज को 5 दिन तक क्या करते हैं प्रिजर्व करके रहते हैं। जो सोडियम फ्लोराइड है इसमें जब हम ब्लड लेते हैं या क्या है एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट्स की तरह ही काम करते हैं जो सैंपल लेने के बाद यह ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। ठीक है, और यह ग्लूकोज को कितने दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं उस वाइल में, 5 दिन तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह पोटाशियम भी है, पोटाशियम ऑक्सलेट है, यह एंटी कोगुलेंट्स की तरह ही काम करता है। ठीक है, एंटी कोगुलेंट्स की तरह ही क्या यह काम करते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, यह दो एजेंट्स है, इसका काम है क्या करते हैं
सैंपल लेने के बाद ये ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, और जो पोटेशियम ऑक्सलेट है ये एंटीकोगुलेट है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। ट्यूब यूज फॉर, इस ट्यूब का यूज़ किस किस टेस्ट के लिए करते हैं? ग्लूकोज टेस्ट के लिए, जैसे कि FBS है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर है, PPBS यानी कि पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, लैक्टेट, इन सभी टेस्ट के लिए हमें किस ट्यूब में ब्लड लेंगे? ग्रेट टॉप ट्यूब में ब्लड लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रेड टॉप ट्यूब के बारे में कि रेड टॉप ट्यूब में किस टेस्ट के लिए हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ नो एडिक्टिव प्रेजेंट, मोड ऑफ एक्शन ब्लड क्लॉट्स एंड सीरम सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि जब हम रेड टॉप ट्यूब में ब्लड लेते हैं तो उस टाइम रेड टॉप ट्यूब में कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट नहीं रहता, वह प्लेन रहता है। ठीक है, जिसे प्लेन वाल भी हम बोलते हैं। ठीक है, रेड टॉप ट्यूब में किसी भी तरह का कोई भी रिएजेंट इसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें ब्लड डालने के कुछ ही देर बाद जो है कुछ ही देर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, क्लॉट हो जाते हैं, क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं और वह सीरम सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूजन करने के बाद। हम थोड़ी देर में जब सीरम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से हमारा सीरम क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा सुपरनेटेड पार्ट वाले सेडिमेंट, सुपरनेटेड पार्ट वाले सीरम बनेंगे, सेडिमेंट पार्ट हमारा जो क्लॉट फॉर्म में बनेंगे RBC से सब क्लॉट होकर नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। ट्यूब यूज़ फॉर, ये ट्यूब किसके लिए यूज़ करेंगे? ट्यूब यूज़ फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में जो भी टेस्ट होते हैं बायोकेमिकल में, LFT हो गए, KFT हो गए, लिपिड प्रोफाइल हो गए, एंजाइमेटिक टेस्ट हो गए, ये सभी टेस्ट के लिए हम इसमें रेड टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सीरोलॉजिकल टेस्ट में है, सीरोलॉजिकल टेस्ट में VDRL है आपका, विडाल है, टाइफाइड है, ठीक है, ASO है, RA है, ये सब टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं इसमें प्लेन टॉप ट्यूब में हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी हम ब्लड रेड टॉप ट्यूब में लेते हैं। उसके बाद ब्लड बैंक में कुछ टेस्ट होते हैं, उसके लिए भी हमें रेड टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लैक टॉप ट्यूब, इट इज़ यूज्ड फॉर ESR टेस्ट। ये ब्लैक टॉप ट्यूब जो है ये हम ESR के लिए भी टेस्ट ESR के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ ब्लैक टॉप ट्यूब को। इसमें भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं। ESR का पूरा फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, RBC के दर को नीचे, RBC के नीचे बैठने की दर को हम क्या करते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। उसके बाद है डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब, जो डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब है उसमें कंटेन होते हैं सोडियम हेपरिन विच एक्ट एज एंटीकोगुलेंट्स, इसमें सोडियम हेपरिन एंटीकोगुलेंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो डार्क टॉप ट्यूब में हम ब्लड कब लेते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं अमोनिया के लिए हम ब्लड लेते हैं, इंसुलिन के लिए, इंसुलिन का टेस्ट करना हो, अमोनिया का टेस्ट करना हो, या फिर रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन का जब टेस्ट करना हो तो हम इसके लिए डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब के बारे में कि लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब में किस टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं, इसमें कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब, यह क्या है? प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब है। जब हमें प्लाज्मा सेपरेट करना होता है तो हम इस तरह के वाले में से ब्लड कलेक्ट करना होता है लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब में। कंटेन इसमें कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट रहते हैं? लिथियम हेपरिन प्रेजेंट रहते हैं, यह भी एक तरह का एंटीकोगुलेंट है। यह लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब है, एक था डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब, उसमें था सोडियम हेपरिन था, लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब में क्या है लिथियम हेपरिन प्रेजेंट रहते हैं। यूज्ड फॉर, इसमें किस चीज़ के लिए यूज्ड करते हैं हम? बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए हम इसे यूज करते हैं, उस टाइम हमें यह लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब में ब्लड लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑरेंज टॉप ट्यूब। अब हम ऑरेंज टॉप ट्यूब जो कंटेंट रहते हैं थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर विच अलाउज स्टेट सीरम टेस्टिंग, इस टेस्ट के लिए जब हमें ब्लड लेना होता है तो ऑरेंज टॉप ट्यूब में ब्लड लेना होता है। उसका नेक्स्ट है हमारा व्हाइट टॉप ट्यूब। व्हाइट टॉप ट्यूब जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, यह क्या है? मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जब हम करना होता है तो उसके लिए व्हाइट कलर के टॉप ट्यूब में वाइल इसमें ब्लड कलेक्ट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल हम दिए हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एम्पलीफिकेशन, ये सभी टेस्ट के लिए हमें क्या करते हैं मोलिकुलर टेस्ट के लिए व्हाइट टॉप ट्यूब में व्हाइट कलर के वाइल्स आते हैं उसमें हमें ब्लड कलेक्ट करना होता है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक का पूरा वीडियो। आई होप मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।